A warm welcome on online class of Prayag Public School. And today I am here with English language of class 3. Today I am here with chapter 9, adverb. Chapter 9, adverb. Okay? What is adverb? What is adverb? Beta, adverb is, at first you know what is verb. What is verb? Verb is a action word, doing words or being words. आपका जो verb होता है वो action word, doing words या being words होता है ना. तो simply मतलब work करना ही तो हमारा क्या हो गया, verb हो गया ना. जो काम हम करते हैं, जो वर्क है, वही तो हमारा वर्ब हो गया सिंपल लैंग्वेज, जिसको काम कहते हैं. ठीक, तो आप वर्ब तो पढ़ चुके हो. अब एडवर्ब क्या है, अब इसमें देखिए क्या चीज़ ऐड हो जा रही है, इसको बोलते हैं एडवर्ब. क्या चीज़ ऐड हो रही है, देखिए बेटा वर्ब को हम किस पोजीशन में क्या कर रहे हैं, वर्ब को हम किस तरह कर रहे हैं, यानी काम को हम किस तरह कर रहे हैं. ठीक है, जैसे मैंने कहा कि प्रिया जल्दी जल्दी खाना खाती है, तो प्रिया खाना कैसे खाती है, जल्दी जल्दी, ठीक ना, फास्टली. हाँ, मैंने कहा कि जो ऑटो है, जो ई रिक्शा है, वो धीरे धीरे चलता है. कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है. तो चलना तो हमारा वर्ब हो गया, ठीक है, मूव जो हमारा हो गया वो तो हमारा वर्ब हो गया. लेकिन हमारा जो वर्ब है वो वर्क कैसे कर रहा है, कि इसकी पोजीशन क्या है, धीरे धीरे, ठीक है ना. तो एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब की पोजीशन को शो करता है, ठीक है ना, जो वर्ब की पोजीशन को शो करता है उसको बेटा हम बोलते हैं एडवर्ब. ओके, द पोजीशन ऑफ अ वर्ब, द सिचुएशन ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड इन विच टाइप द एक्शन इज doing, the action which type, in which type action is making, doing, मतलब जो वो काम है वो कैसे हो रहा है, fastly, slowly, ठीक है ना. तो इस तरह जो है ये क्या है, आपका adverb होता है. Now look on whiteboard, chapter 9, adverbs. The words that add to the meaning of verbs, the words that add to the meaning of verbs, जो verb के यानी क्रिया, जिसको काम वर्ब होते action word, उसके meaning को बताता है, are called adverbs. Okay, look here. Example, the girls are singing sweetly. अब singing हमारा क्या है, जो singing है हमारा, sing means क्या होता है, गाना. तो ये तो action word हो गया ना, ये वर्ब हो गया हमारा. ओके, तो स्वीटली गाना, लड़कियां गाना गा रही हैं, तो ये तो हमारा गाना हो गया एक्शन वर्ड. और कैसे गा रही हैं, प्यार से गा रही हैं, प्यारा गीत गा रही हैं, ठीक है ना. तो स्वीटली, तो जो हमारा स्वीटली है बेटा वो क्या है, हमारा एडवर्ब है. काम कैसे हो रहा है, काम जैसे हो रहा है उसकी पोजिशन को क्या बता रहा है, कि गाना कैसा गा रही है, स्वीटली, बहुत मीठा गाना गा रही है, प्यारा गाना गा रही है. ओके, बहुत प्यारा, प्यार से गाना गा रही है. द ट्रेन इज रनिंग फास्ट, द ट्रेन इज रनिंग फास्ट. अब ट्रेन है, रनिंग, रनिंग मतलब ट्रेन के लिए रनिंग का यूज मतलब चल रही है, ठीक है ना. तो ट्रेन कैसे मूव कर रही है, कैसे चल कर रही है, या ट्रेन इज मूविंग फास्ट भी कह सकते हैं. तो द ट्रेन इज रनिंग फास्ट, ट्रेन कैसे रन कर रही है, फास्ट. तब यहाँ पे वर्ब की पोजीशन क्या है, फास्ट कर रहा है, यहाँ पे हो सकता था, ठीक है. अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखे ना कि द ई रिक्शा इज मूविंग स्लो, ई रिक्शा धीरे धीरे चलता है ना, तो ई रिक्शा इज मूविंग स्लो. तो कैसे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे सब देखिए ये वर्ब की जो पोजीशन को बताते हैं, वर्ब की जो पोजीशन को बताते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, एडवर्ब हो जाते हैं. यहाँ पे सिंगिंग आपका वर्ब है, रनिंग आपका वर्ब है, और इसके साथ स्वीटली,
फास्ट ज़्यादातर आपके एडवर्ब में एलवाई लग जाता है, ठीक है बेटा, लवली, हाँ इस तरह, लविंग, सॉरी लवली नहीं, लविंगली, स्वीटली, ठीक है, ओके, हार्डली, इस तरह ज़्यादातर तो क्या होता है आपका एलवाई ऐड हो जाता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब से यहाँ पे फास्ट है, यहाँ पे तो फास्टली नहीं है ना, फास्ट है, तो ये भी हमारा क्या है, ये एडवर्ब है, ठीक है बेटा। तो वर्ड्स फास्ट स्वीटली, सो हाउ द एक्शन इज डन, जो वर्ड आपका फास्ट है और स्वीटली, ये बता रहा है कि हाउ द एक्शन इज डन, कि जो एक्शन है यानी जो काम है यानी जो वर्ब है वो किस कैसे हो रहा है। हमारा एडवर्ब क्या बताता है, वर्ब की पोजीशन को बताता है, यानी काम किस तरह से हो रहा है। एडवर्ब क्या हुआ है, वो शब्द जो ये बताते हैं कि हमारी क्रिया किस प्रकार से हो रही है, ठीक है, ओके, सिंपल लैंग्वेज में काम किस तरह से हो रहा है, है ना, जल्दी, धीरे, ठीक है ना, अच्छी तरह से, खराब तरह से, ठीक है ना। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके बेटा हो गए एडवर्ब, ठीक है। तो वर्ड्स फास्ट स्वीटली, सो हाउ द एक्शन इज डन एंड दे ऐड टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब्स। अब ये हमारे वर्ब्स का मीनिंग भी बता रहे हैं ना, काम भाई कैसे हो रहा, अगर हमें ये पता चल गया तो हमें वर्ब का मीनिंग उसका क्लियर हो गया, ठीक। मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स एड इन एलवाई, एंड इन, एंड इन एलवाई, ज़्यादातर जो एडवर्ब होते हैं उनके लास्ट में एल, वो किन के साथ एंड कर होते हैं, एलवाई के साथ। फास्ट बताए भी पता है ना मैंने, स्वीटली, ठीक है ना, स्वीटली हो गया आपका, इसके बाद आपका हो गया बैडली, ठीक है, स्वीटली, बैडली, लाउडली, ओके, लाइक दिस। तो मोस्टली एडवर्ब में लास्ट में एलवाई होता है, लेकिन इट इज़ नॉट श्योर कि आपका एलवाई हो, लेकिन मोस्ट में एलवाई में आपका एंड होता है। अब बेटा इसके जो और पोजीशंस हैं एडवर्ब के, उसको मैं आपको नेक्स्ट सेशन में क्लियर करूँगी, वरना आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। पहले आप ये समझो एडवर्ब क्या है, ठीक है, सिंपली जो वर्ब की काम किस तरह से हो रहा है, काम हमारा वर्ब हो जाता है, ओके बेटा, और काम किस तरह से हो रहा है वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा हो गया आपका वो। अब आप क्या करेंगे बेटा, ये जो ये मैंने एडवर्ब ये आपका ब्लैक जो व्हाइट बोर्ड में लिखा हुआ है, इसको आप एक रफ कॉपी में लिखोगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी बेटा। लैंग्वेज में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। उसके बाद मैं इसके साथ आपको क्या दूंगी, इसके साथ मैं आपको आपको मैं दूंगी वर्कशीट, दूंगी होमवर्क के लिए, ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे।